गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड ऑल्सो यू आर एंजॉइंग आवर ऑनलाइन क्लासेस सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपर्ट डिटेक्टिव हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक निषाद नाम का बच्चा होता है जो सात साल का होता है उसकी बड़ी बहन होती है माया उनके घर के आसपास ना एक आ, एक मिस्टर नाथ रहते हैं मिस्टर नाथ रहते हैं जो कि दिखने में थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप साउंड करते हैं तो उसकी जो बड़ी बहन होती है माया वो उसको लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है वो कहीं कही ना कहीं अपने रूम में बहुत सारे पैसे छिपा के रखा हुआ है लेकिन जो निषाद होता है जो उसका छोटा भाई होता है ना वो उस बिलीव नहीं करता है वो तो कहता है कि बहुत ही सीधा साधा आदमी है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो क्रिमिनल है और जो निषाद की मदर होती है वो भी मिस्टर नाथ को जानती है क्योंकि निषाद की मम्मी जो होती है वो डॉक्टर होती है और उसको ऐसे पेशेंट जानती है और वो बोलती है कि वो बहुत ही पोलाइट है तो इन दोनों में भाई बहन में एक रेस लगा होता है कि मैं पता करूंगा कि वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है तो उसके बारे में कहानी है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड तो ये बहुत ही फनी थोड़ा सा लग रहा है कि माया अपने हाथ में कॉपी उठाती है पेन उठाती है और लिखती है कैचिंग अ क्रूक क्रूक मतलब होता है क्रिमिनल कि क्रिमिनल को पकड़ना है एक्सपर्ट डिटेक्टिव और कौन पकड़ेगा दो एक्सपर्ट डिडेक्टिव्स हैं अपने आप को ये लोग एक्सपर्ट डिटेक्टिव होता है जासूस अपने आप को ये लोग जासूस मान लेते हैं निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड और लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट इनको कौन किया है पूरे दुनिया के लोग इनको मिल इनका अपॉइंटमेंट किए हैं ऐसा जासूस कि भाई तुम लोग पता लगाओ ये लो जासूस ये लो, मिश्रनाथ चोर हैं कि नहीं है देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टू वर्ड सेवन हु आर लाइंग ऑन हिस्स टमी चिन कब्ड इन इज पार्म रीडिंग कॉमिक्स और मैं जब और मैं कुछ कुछ अपना जो एविडेंस है मैं लिखने लगी कौन ये माया लिख रही है अपने हाथ से आधे घंटे बाद मैं सेवन की तरफ मोड़ी सेवन कौन उसका भाई निषाद उसकी तरफ मोड़ी जो कि पेट के बल लेटा हुआ था अपने गालों को हाथ पे रखा हुआ था और जो कि कॉमिक्स पढ़ रहा था वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटेन आई आज मैंने पूछा अपने भाई से कि क्या तुम जानना चाहते हो मैंने क्या लिखा है ही लुकड अप क्वेश्चन आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम आई सेड वॉन्ट टू हियर तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब संदेह नजर से देखा और मैंने बोलना शुरू किया कि मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिससे हमको मिस्टर नाथ को पकड़ने में आसानी रहेगा वन टू हियर क्या तुम सुनना चाहते हो सेवन नोडेड सेवन ने सर हिला दिया कि ठीक है भाई सुनाओ फैक्ट नंबर वन आई रीड हिस नेम इज़ मिस्टर नाथ वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम तो माया बोलती है उसका पहला फैक्ट है कि उसका नाम हमको नहीं पता है क्योंकि उसका केवल क्यों हमको सरनेम पता है मिस्टर नाथ हमको पहले पता करना होगा कि उसका फर्स्ट नेम क्या है फर्स्ट नेम मतलब जैसे किसी का नाम अंकित गुप्ता है तो इसमें फर्स्ट नेम क्या होता है अंकित और गुप्ता क्या हो जाता है लास्ट नेम हो जाता है डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया निशाल आस्ट तो निशाल ने कहा कि क्या तुमको लगता है कि उसका ये नाम रियल है या नहीं है प्रोबेबली नॉट आई सेट Most मोस्ट क्रुक्स हैलियस आई डेड आई एडेड अब बी क्वेश्चन मार्क्स आफ्टर नाथ ठीक है तो क्या बोलती है कि तो निषाद पूछता है क्या सच में लगता है कि जो मिस्टर नाथ है उनका ये रियल नेम है तो माया बोलती है नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि इसका नया नाम है क्योंकि जो मोस्ट क्रिमिनल्स होते हैं जो मोस्ट क्रुक्स होते हैं ना वो अपना नाम एलाय सकते मतलब कि एक अल्टरनेट नाम ठीक है जिससे कि नाम लोग अगर कोई भी क्रिमिनल रहता है अब हमारे बीच में तो वो अपना नाम बदल के रहता है क्यों ताकि उसको कोई दूसरा पहचान ना पाए पुलिस उसको पकड़ ना पाए फैक्ट नंबर टू अब दूसरा फैक्ट नंबर क्या है आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली और जो टेनेंट्स है टेनेंट्स मतलब किराएदार जो कि शंकर हाउस के जो किराएदार हैं वो बताते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो मैड है स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है कि पागल है और बहुत अजीब सा बिहेव करता है और अनफ्रेंडली है किसी से ज्यादा जल्दी दोस्ती भी नहीं करता है नंबर थर्ड ही डजेंट लाइक टू ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस और वह किसी से बात भी नहीं करता है और उसके अंदर कोई मैनर भी नहीं है बट ही डिड टॉक टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट निषाद इंटरप्ट और चूंकि निषाद को लग नहीं रहा था कि कहीं ना कि वो क्रिमिनल है इसीलिए वजह से वो थोड़ा सा उस बात को काट रहा था तो बोलता है कि लेकिन वो बात तो करता है हमसे बात करता है माया मम्मी से बात करता है और मम्मी बताती है कि बहुत ही पोलाइट है ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू तो माया बोलती है कि वो हम लोगों से बात इसलिए करता है क्योंकि उसको बात करना है आई सेट एंड सेंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही पुलाइट और चूंकि उसको मम्मा से अपना दवा भी कराना है तो इसी वजह से उसको पुलाइड रहना होगा फैक्ट नंबर फोर ही डजेंट रिसीव एनी लेटर से चौथा फैक्ट नंबर क्या है कि वो किसी के द्वारा लेटर रिसीव नहीं करता है मतलब उसको कोई लेटर भी नहीं बेचता है मतलब कि उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है समझ रहे हो तो कहने मतलब है ना कि जो माया है ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा नोट कर रही है ताकि ये वो माया प्रूव कर सके कि जो मिस्टर नाथ है वो सच में क्रिमिनल है ने सर हिला दिया नंबर फाइव बिन लिविंग इन रूम टेन ऑफ शंकर हाउस मोर देन ईयर आई कॉन्टिन्यूड और फैक्ट नंबर फाइव क्या है को एक ही रूम में रूम नंबर दस में शंकर हाउस शंकर हाउस क्या है उस बिल्डिंग का नाम होगा कि शंकर हाउस में रूम नंबर दस में एक साल से वो रह रहा है रूम भी नहीं बदला है मकान भी नहीं बदला है नंबर नंबर क्या है है कि वो कोई काम भी नहीं करता है और दिन भर अपने रूम में बैठा रहता है नंबर सेवन द किड्स इन शंकर हाउस एंड ग्रोन अप्स आर स्केड ऑफ हिम सातवां पॉइंट क्या है मेरा कि जो शंकर हाउस के जो बच्चे हैं वो डरते हैं उसे और बच्चे की बात तो छोड़ो जो ग्रोनर्स है मतलब कुछ कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं नंबर एट ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ट फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ही संडेज फॉर लंच कह रहा है तो माया बोलती है कि पॉइंट नंबर एट क्या है कि उससे कोई मिलने भी नहीं आता केवल एक आदमी है जो कि चश्मा लगा के थोड़ा सा गोला है होता है वो उससे संडे को लंच पे मिलने आता है बाकी कोई भी मिलने नहीं आता है तो ये सब किसकी किसकी निशानी है सभी क्रिमिनल की निशानी है क्रिमल के घर लोग आते हैं मेहमान आता है वो काम पे जाता है लोगों से बात करता है लेकिन मिस्टर नाथ के अंदर ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं है नंबर नाइन फूड एंड टी आर टेकन टू हिस्स रूम बाई रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन से पॉइंट नंबर नाइन क्या होता है कि जो खाना खाने के लिए खुद नीचे नहीं आता है जबकि नीचे रेस्टोरेंट से जो रमेश है वो खाना चाय पानी सब लेके ऊपर आता है ही हैजन केयर अरबॉट ही इट्स उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या खाता है क्या पीता है खाने की कैसी क्वालिटी है वो क्या करता है पेस इज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल और वो खाने का बिल ऑन द स्पॉट देता है तुरंत देता है और उसके ऊपर भी उसके ऊपर तो टिप्स भी देता है दैट एंड्स माई लिस्ट और यहाँ तक मेरा एंड यहाँ तक लिस्ट मेरा खत्म हो गया हैव आई फॉर गेट एंड सेवन क्या मैंने और भी कुछ पॉइंट छोड़ा है निषाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ एक्ट और निषाद मेरे पॉइंट्स को उतना ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि क्या है ना उसके मन में पहले ही सही था कि मिस्टर नाथ इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑल ही कुड से वॉस पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ हैव डजेंट फ्रेंड तो इतने सब पॉइंट बताने के बाद भी पॉइंट को किनारे करके बोलता है कि बेचारा है कितना गरीब आदमी है कितना बेचारा आदमी है कि वो अकेला है उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है हाउ कैन ए क्रुक है जोर से चिल्ला पड़ी गधेब पागल कोई क्रिमिनल के दोस्त कैसे हो सकता है क्रिमिनल तो है तुम समझ क्यों ना रहे बात को भावड़ा है अपराधी है उसका दोस्त कैसे हो सकता है एटलीस्ट हीट वन हु निषाद तो निषाद बोलता है कि चलो कोई बात नहीं उसके पास तो कम से कम एक फ्रेंड तो है जो संडे को से मिलने आता है ब्रिलियंट थॉट कट टू मी जस्ट तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आया दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एक्म्पलिस इन क्राइम एक्म्पलिस क्या होता है कि जब कोई भी आपका क्रिमिनल पार्टनर बोल सकते हैं अगर आप चोरी कर रहे हैं ना तो आपका जो साथ दे रहा है ना उसको बोलते हैं कि तब तो उसके दिमाग में है माया के कि जो मोटा आदमी आता है ना जो चश्मा पहन के संडे को मेरे ख्याल से वो मिस्टर नाथ का साथी हो वो भी वो भी एक क्रिमिनल हो I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then go give part of it his partner. करा तो ऐसा तो भी तो हो सकता है कि लूट का सारा सामान वो मोटा वाला आदमी रखता हो और कभी कभी हर संडे को आकर थोड़ा बहुत उसको देता हो मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस खर्चे करने के लिए दैट्स इट आई एम श्योर आई एम राइट और यही बात है जो मैं बात बता रही हूँ एकदम सही बात है वो क्रिमिनल है निषाद तुम मेरी बात मानो If you यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग a अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई to टू डिस्कस with you, विद यू मायाद एंग तो निषाद गुस्सा के बोलता है कि देखो दीदी -दी, अगर तुमको बात करना है और यही बात करना है कि निशा नाथ क्रिमिनल है क्रिमिनल है क्रिमिनल है तुम एक ही बात रटे जा रही हो क्रिमिनल है तो मुझे इससे आगे तुमसे बात ही नहीं करना है क्योंकि मेरे हिसाब से वो आदमी गरीब है और वो क्रिमिनल नहीं है यू कैन बी सच अ बैड मैन ईफ यू गिव रमेश सच जनरल स्टिप वो बिल्कुल भी Uh, क्या बोलते हैं उसको so, क्रिमिनल नहीं हो सकता है क्योंकि अगर वो रमेश जो गरीब लड़का आदमी है जो खाना लेके आता है उसको टिप्स देता है तो फिर वो क्रिमिनल कैसे हुआ रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हीज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू तो कीप क्वाइट आई सेड <laughs> तो <clears throat> माया बोलती है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो रमेश है वो कुछ सीक्रेट जानता हूँ मिस्टर नाथ का इसी वजह से उसका मुंह बंद रखने के लिए मिस्टर नाथ उसको पैसा देते होंगे भाई तुम ये ले लो और चुप रहना किसी से कुछ कहना मत निषाद ग्लेयर्ड एडमी विद हीज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेडअप विथ हिम और निशाद मेरी तरफ तो घूरता है और दोनों के बीच थोड़ा सा होता है ताना तानी होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो होता क्या ना कि जो भाई बहन है ना आपस में लड़ते हैं किसको लेकर मिस्टर नाथ को लेकर और उन लोगों को लगता है ना कि वही दोनों एक अच्छे जासूस हैं <laughs> हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड से ऑन आई आस्ट और सच में माया अपने आप को क्या है? जासूस मान लेती है और कहती है कि भाई अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा क्या तो हम इस केस को आगे कैसे ले जा पाएंगे बात समझो एटीट्यूड अच्छा नहीं है सब करना सीखो किसी पर ये तभी हम आगे बढ़ पाएंगे क्रिमिनल है कि नहीं है आई विल कॉरपोरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट ही बींग है बीइंग एन स्केब क्रूप सेट सेवन सेवन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं हमको आगे बढ़ना है इट्स ओके okay. लेकिन मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम अपने दिमाग से निकालो कि ये भागा हुआ अपराधी है यू रियली मेक मी एंग्री और तुम इस ये बात बोल के मुझे गुस्सा दिला रही हो आई ऑलमोस्ट हीट हिम आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ उसकी बहन उसको मारने वाली थी बोली कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ यू टू ऑफ आई शाउटेड यू मेक मी मैड तुम मुझे पागल कर रहे हो वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी इफ ही इज नोट अ क्रूक तो माया बोलती है कि जब वो क्रूक है नहीं तो इतना सब इंक्वायरी करने का फ़ायदा क्या हम लोग इस बात पर बैठे हैं ना कि क्रूक है कि नहीं है इफ यू थिंक हीज नो हीज अडी वाट्स द आडियो बॉदरिंग अबाउट हीम प्लिस टे में तो माया बोलती है कि अगर क्रिमिनल नहीं है तो फिर हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन लो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जान पाए हैं कि मिस्टर नाथ इज क्रिमिनल और नॉट निषाद लुक्ड थॉटफुल निषाद थोड़ा सोचने लगता है आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई सो थिंग एंड वाई सो लोनली तो निषाद बोलता है कि मैं पता करूंगा कि वो इतना पतला क्यों है और इतना अकेला क्यों है आई वॉन्ट टू नो वाई मैं ये भी पता करूंगा कि वो बेचारा अकेले क्यों रहता है उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन आई टोल्ड हिम मैं सेवन से बोली कि मेरी बात समझो इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर एयर एंड ही हैजन मेड अ सिंगल फ्रेंड देर सम मेरी बात को समझो इस पॉइंट को नोट करो कि अगर एक ही साल से शंकर हाउस में रह रहा है फिर भी वो एक दोस्त भी नहीं बना पाया यानी कि देर समथिंग रोंग यानी कुछ तो गड़बड़ है इज ऑब्वियसली स्केयर विल सम्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द वो इसलिए कि किसी को दोस्त नहीं बनाता है कि उसको डर है कोई उसको पहचान लेगा तो पुलिस के हवाले उसको कर देगा मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड विद हिम निषाद प्रोटेस्टेड निषाद ने बोला कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उससे दोस्ती ना करना चाहता हो कोई सामने वाला वो बात करना चाहता हो लेकिन सामने वाला वो क्या कहे उससे दोस्ती ना करना चाहता हो बात ही ना आगे बढ़ाए तो क्या बेचारा करेगा वाई शुड एनी वन यू हैव सीन वॉट और नास्ट बी आर आई सेड तो माया बोलती है क्यों बौद्धा मत मतलब होता है परेशान तो दूसरा कोई क्यों परेशान होगा तुमने देखा नहीं है किस तरीके का बेयर है ठीक है मतलब अजीब मतलब भालू की तरह लगता है क्योंकि उसके चेहरे पे कटे पिटे के निशान दे आई डोंट केयर शेयर निषाद स्टबन स्टन मतलब है जिद आई लाइक हीम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड तो निषाद बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे वो पसंद है और मैं ट्राई करूँगा कोशिश करूंगा और मैं उसका दोस्त बनने का कोशिश करूँगा और पता लगाऊंगा कि वो अकेले क्यों है क्यों इतना पतला है फ्रेंड्स विद अ क्रूप हा यू आर क्रेजी सेवन आई सेड कि तो उसकी बहन बोलती है अपराधी के साथ दोस्ती यू आर क्रेजी तुम पागल हो गए हो सेवन आई सेट द कॉप्स विल टेक यू टू टू जेल विद हिम कह जब पुलिस आएगी ना तो वो तो जेल में जाएगा ही और तुम भी साथ में जेल जाओगे डू यू वॉन्ट टू हैपन यू इडियट क्या तुम भी गधा गधे हो क्या तू क्या सुच? क्या सच में तुम भी जेल जाना चाहते हो निषाद मीयरली ग्लेयर एट मी एंड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम निषाद ने मेरी तरफ देखा घूरा और चुपचाप रूम से बाहर निकल गया माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो एट ऑल और जो मेरा थ्योरीज थ्योरी था, था क्या थ्योरी जो, जो माया ने फैक्ट गिनाया था ना नो फैक्ट नाइन फैक्ट ऐसा लग रहा था कि, कि निषाद के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं डाल पाया तो क्लियर है कैसा कहानी लगा अच्छा लगा ना इसमें क्या है ना बेसिकली भाई बन का प्यार दिखाया गया है और नाथ के बारे में ये लोग अपने आप को जासूस मानते हैं पकड़ने की कोशिश करते हैं अच्छा कहानी है थोड़ा तो सा फनी भी है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है पहला चीज़ पेंसिल लेके बैठना है जो भी नए वर्ड्स आएंगे उसको नोट डाउन करना है इसके समरी लिखना है और इसका जो क्वेश्चन सर है ना वो भी लिखना है अपने मन से क्लियर है ना चलिए करके और मुझे सेंड भी करना है चलिए पढ़िए लिखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय